उत्तर प्रदेश जिला बरेली में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहगीरों को बिस्कुट नमकीन का वितरण किया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आह्वान कर गरीब व जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए कहा गया, जहां पूरे देश में लॉकडाउन लगने पर कितने बेसहारा गरीब परिवार भूखे रह रहे हैं, उनके लिए आज खाने की व्यवस्था। ऊंचा गांव के प्रधान कुलदीप यादव के नेतृत्व में आए राहगीरों को बिस्कुट नमकीन का वितरण किया। इस मौके पर ऊंचा गांव के प्रधान कुलदीप यादव ने कहा कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक वे सारा गरीब लोगों की सदैव तत्पर मदद रही। उन्हें खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। इस मौके पर उनके साथी उपस्थित रहे।